हेलो सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम शेख बोलती हूँ मैं खाजालीपति चाली मंडा। अरे अलीम भाई अरे अलीम भाई जी अलीम भाई बोलिए। क्या हुआ अटैक हुआ करते आपके ऊपर अभी अलीम भाई? अपन चुड़ी के बच्चे जी जो चाहे मार दे रहे चले आ रहे। क्या है मेरे भाई, आपको खाली गांडो ढाका बिठा रहे, कोई मार दे रहा भी नहीं। आपको मारा ना हमको मारा, खाली गांडो बांटा चल रहे हैदराबाद से खाली। अच्छा अच्छा अच्छा, आप पूछने के वास्ते फोन कर रहे तो मैं उसका जवाब दे देता हूँ। मैं पहले बाहर हूँ, घर में भी नहीं गया अभी, घर वाले भी परेशान है। सुन लो आप क्या सवाल है आपका, मेरे को बोला मैं कर देता हूँ। नहीं नहीं वही आपको अटैक हुआ बोले तो वही देख रहे भाई, कितने बार अटैक होता है, मारना भी नहीं। सुनो अली भाई, मसला क्या है, जेलपल्ली 5 नंबर वार्ड में आज मैं दौरा करा जी भाई। दौरा करा मैं एक दो हफ्ते के बाद दौरा करा, दो या डेढ़ हफ्ते के बाद करा, पब्लिक बुलाई तो जाता मैं। बात है वो दौरा करा, पब्लिक वहाँ की तकलीफ सुनाई, लोगों को बर्दाश्त नहीं हुआ। नहीं बात है, इंचार्ज अहमद सादी के बेटे इंचार्ज है, उनको और उसको और अपने अब्दुल्ला सादी चेयरमैन है, उनका ये छोटा भाई है अहमद सादी का बेटा इंचार्ज का। तो इनू क्या करे, आज मैं सलाला पे बैठा हुआ था, सही बात है, और दोस्त की दुकान करने गया था काम से कुछ। अच्छा अच्छा, तो इन्हों कार में आए, पहले फुल बिलाय कहने, पहले कमिश्नर साहब बोल रहे हैं बिलाय कहनों की कार में नहीं फिरना, और ट्रैफिक पुलिस भी बोल रही फुल बिलाय कहनों की कार में आके इन्हें उतार के इन्हों गालियां देके चल दिए, गाड़ी लेके भगा लेते कार। अच्छा, फिर पलट के इन्हों जाके टू व्हीलर पे आए, टू व्हीलर पे आके आके रुक के चाबी निकाल के डिक्की खोलने जाके कर रहे थे पब्लिक, इनको डिक्की खोल रहे थे, डिक्की में से क्या निकाल रहे थे नहीं मालूम, पब्लिक इनको पकड़ ली। अच्छा अच्छा, इन्हों मारने आ रहे थे, तलवार निकाल रहे थे नहीं मालूम उसके अंदर से या क्या निकाल रहे थे वो अल्लाह जानता। तो इन्हों ये आ जाके इन्हों करे, करने का रीजन क्या है पूछे तो, इससे पहले भी इन्हों फोन करे थे मेरे को, ये बच्चा फोन करके ऊपर से मार दे, टांगा तोड़ देता हूँ, ऊपर भिजा देता हूँ, बोले तो जब मैं पुलिस स्टेशन में एविडेंस के साथ कंप्लेंट दिया था, एक्नॉलेजमेंट लिया, तो उसकी FIR नहीं दिए मेरे को आज तक पुलिस वाले। जब पुलिस वाले FIR दे देते ना तो आज इसकी इतनी हिम्मत नहीं होती थी, पुलिस वाले पुलिस स्टेशन बुला लेते तो। पहले पुलिस नहीं बुलाई, ये हो गया ना, आप जेलपल्ली म्युनिसिपल में हक बताना गलत है क्या पब्लिक की? अरे बता सकते भाई, मेरे को भी बेगम बाजार में घुस गया, मेरे को फोन करे भाई पब्लिक का दरमियान में भाई परेशान है बोल के। हाँ अब मैं जाके वीडियो बनाया पूरा स्टेटमेंट लिया लोगों से, क्या गुंडागिरी करते। तो मैं बोलूँ क्या तुम्हारे अलीम भाई, तुम बेगम बाजार कहीं को मैं मार देता हूँ बोलूँ क्या? नहीं बोलते, कहीं को बोलते भाई, काम करने वालों से लोग जब रहे भाई, खुद करते देते ना दूसरों करने देते, आपके नाम पे कोई भी आया जेल पर धमकियां देते रहते, अपन धरते ने अपन मौत का कफन ले लेके, फिर तो तुम भी ला लिए कफन, अपन कफन में सबसे पहले महिला है, ला के रख लो आप, ऐसे पुकारते रहते लाइट दे लो ऐसे लोगों को, जब तक अपनी आवाज है हैदराबाद में पुरंग की आवाज पहुँचते रहेंगी, हक की आवाज। सुनो जी, पहली चीज अपन मजलिस इत्तेहाद मुस्लिम के वर्कर है, मजलिस के खिलाफ कभी काम नहीं करते अपन, सही बात है, जमात के वफादार है, वफादार बन के रहेंगे, सही बात। दूसरी चीज सुनो आप, इनो चेयरमैन वहाँ के, इनो इंचार्ज, इनो काउंसलर वहाँ, पब्लिक इनको बुला रही नहीं, सही बात है। और इनो अगर पब्लिक में जाते, पब्लिक की तकलीफ पूछे तो आप पब्लिक अपने को क्यों बुलाएंगी बार कर से वहाँ पे? सही बात है। क्या जरूरत है पब्लिक को अपने को बुलाने की? इनो इंचार्ज इनो जाना ना, इनको पब्लिक में जाके पूछने की इनका तरीका नहीं है, पब्लिक का काम कराने का इनका सलाहियत नहीं है, कुछ भी नहीं है, तो पब्लिक अपने को बुला रही, अपन जान जा रही, 100-150 आदमियां ठहर रहे, तकलीफ बता रहे, इन हो गए तो 10 जने नहीं चढ़ते, नहीं नहीं आप करिए काम, मैं भी हो सका तो वहाँ का मैं भी आके दौरा करता हूँ, टेंशन ना करो। आते जाते रहते सब करने वाले, लाइट ले लो ऐसे लोग। मैं और एक आपके जरिए आप रिगार्डिंग डालते, और एक बात बोल दे रहा हूँ जी भाई, दो बात बोल के फोन रख देता हूँ, एक मेरी जान जाएंगी तो ये शादी वाले जिम्मेदार रहेंगे, और इकबाल बिन खलीफा, ये 2 जने सुन लो। तीसरी बात है, मैं ही बोल रहा हूँ, जब तक मेरे को खबर में नहीं पहुंचा है मेरी जबान नहीं रोक सकते, सही बात है, खबर में पहुंचा दो मेरी जबान को बंद कर दो, और पैसों में नहीं खरीद सकते मेरे को, सही बात है। और मैं आवाम के वास्ते काम कर रहा हूँ, सबसे पहले ये 5 साल में सर्कल साहब रहते चले जाते, 2 साल इससे ही रहते चले जाते, कई MLA आते चले जाते, कई काउंसलर आता, चेयरमैन आता चले जाता, आवाम जहाँ की वहाँ रहती, सही बात है। आवाम का काम करना अपना फर्ज है, काम करते रहेंगे, अल्लाह इसका अजर देने वाला है, अल्लाह हमारे साथ है, शुक्रिया, खुदा हाफिज़।
अस्सलाम वालेकुम, क्या आप अच्छे और मयारी रिश्तों की तलाश में हैं? मुस्लिम रिश्ते आपके लिए लाया है बेहतरीन प्रोफाइल्स लड़के और लड़कियों की। आपके लिए सुनहरा मौका, 3,000 रुपए का पैकेज सिर्फ 300 रुपए में। घर बैठे देखिए बेशुमार प्रोफाइल्स, सेलेक्ट कीजिए और डायरेक्ट कॉन्टेक्ट करें मेंबर से। आज ही रजिस्टर करें और दीगर मालूमात के लिए कॉन्टेक्ट करें मुस्लिम रिश्ते +9189786777255।